हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें सबसे पहली बात, जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा थी उन्हें बताया गया था कि आप सारे कॉलेजेस फिल कर दो तो आपका सेफर साइड में रहोगे, और जिन बच्चों की रैंक कम थी, लाइक जिनकी 60-70 के आसपास थी, उनमें से बच्चों ने बहुत गलतियाँ यही कर रखी हैं कि किसी ने सिर्फ एक ही कॉलेज फिल कर रखा है, तो आप वो कॉलेज वो सिर्फ अब ओपन राउंड में अगर सीट बचेगी तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा, अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएगा, वरना नहीं। और बिकॉज़ उन्हें अभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, 670 अप्रॉक्स आई थिंक वो रैंक है, तो उसका बेसिक नुकसान ही हुआ है। बट हाँ, ओपन राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अपनी एक अच्छी खासी रैंक होते हुए भी सिर्फ वन चॉइस फिल की थी, वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिन बच्चों का अभी फर्स्ट राउंड में नहीं आया वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके पर्टिकुलर रैंक बता दी गई है कि UR, OBC, ST, ST, EWS पे कितने रैंक पे मिला है। तो आप यहाँ पे FCNA नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ आपके एब्रीवेशन यूज़ किए गए तो उनको आपको नहीं समझना। बाकी मैं बता दूँ कि UR में आप कितने रैंक तक के बच्चों को सेकेंड राउंड या ओपन राउंड का वेट करना चाहिए। UR में अप्रॉक्स आपकी 1300 या 1200 तक के बच्चों को वेट करना चाहिए, एंड OBC में अगर आपके पास आपकी जो रैंक है वो 2000 के अंदर है तो आप वेट करो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। SC में मैं बता दूं कि 6000 तक आप वेट कर सकते हो, बिकॉज SC आपके जो ऊपर होंगे, जो सीटें बची होंगी, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ST कैटेगरी में बता दूँ, जितनी लिस्ट में आपकी रैंक हैं सारे बच्चे वेट कर सकते हैं, बिकॉज ST में आई थिंक आराम से मिल जाएगा आपको। EWS का ये है कि आपका अगर 3600 या 3500 के अंदर रैंक है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट या सेकेंड राउंड में सीट मिलने के चांसेस हैं, अगर आपने सारे एम्स फेल कर रखे हैं तो। उसके बाद जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उन्हें क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड के बाद क्या करना है, दो ऑप्शन आएंगे आपकी जो प्रोफाइल होगी उस पर, एक तो एक्सेप्ट करो और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, दूसरा होगा कि आपको एक्सेप्ट करना है और पार्टिसिपेट भी करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो यू विल हैव टू जॉइन द सीट अलोकेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड एंड प्रीवियसली अलोकेटेड सीट शैल बी डीम्ड वैकेंट एंड ऑटोमेटिकली बी अलोकेटेड टू द अदर काउंट कैंडिडेट नेक्स्ट इन मेरिट एज पर चॉइस। फेलियर टू जॉइन द अपग्रेडेड सीट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन शैल लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ RS 1 lakh इफ़ यू डू नॉट जॉइन अपग्रेडेड सीट। अगर आपने अपग्रेडेड सीट ज्वाइन नहीं की तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी आपको यहाँ पे ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कहाँ करवाने हैं, पहले वाले में या दूसरे वाले में, ठीक है। पॉलिसी वगैरह आपके बता रखी है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कैसे करवाने हैं वो सब बता रखें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और जिन बच्चों का पर्टिकुलर एम्स, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। डीन के पास मैसेज मत करना, आप एकेडमिक वाले जो ईमेल आईडी सेकंड वाली या रजिस्ट्रार वाली के बाद वाली जो आईडी दे रखी ना उन पे मैसेज करना, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे जनरल रूल दे रखे हैं आपके, बाकी बस आपकी ये लिस्ट इस बार भी आई थिंक रैंक अच्छी खासी गई है आपकी, मतलब इंजन बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से हेल्प ले सकते हो।